दिनों के पहले की घटना जिससे पूरा देश दहल गया। जिस आर्मी और आरपीएफ को देश की जनता रक्षक के रूप में देखती है, उसी आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह ने मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में फायरिंग कर आरपीएफ एसआई और 3 यात्रियों को मौत की घाट उतार दिया गया। इस घटना के निषेध हेतु मध्य नागपुर स्थित मोमिनपुरा चौक पर अल्पसंख्यक कांग्रेस द्वारा शहर अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में तीव्र आंदोलन किया गया। दरअसल कोटा के रास्ते जयपुर से मुंबई जाने वाली जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन आरोपी आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने अंधाधुंध फायरिंग कर आरपीएफ एसआई एवं 3 यात्रियों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के निषेधार्थ एवं आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इस मांग के साथ मध्य नागपुर मोमिनपुरा चौक पर अल्पसंख्यक कांग्रेस द्वारा शहर अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में तीव्र आंदोलन किया गया। इस वक्त बोलते हुए वसीम खान ने कहा कि आज आम आदमी देश में सुरक्षित नहीं, न वो सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं, न बैक ऑफ संचार कर सकते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल की हुई हत्या किसी धर्म के मायने से नहीं की गई। हत्यारों का कोई धर्म नहीं होता, न वो हिंदू है न मुसलमान है, वह हैवान है। ऐसा बोलते हुए प्रदर्शनकारियों ने चेतन सिंह की तस्वीर पर कालिक लगाई और पैरों से कुचला। इस समय अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी प्रदेश उपाध्यक्ष रमन कलवाले, मध्य नागपुर ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल पट्टम, अल्पसंख्यक के आसिफ शेख, साथ ही अन्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 31 जुलाई को जयपुर से बम्बई जा रही थी ट्रेन, उसमें एक कांस्टेबल चेतन सिंह नामक कांस्टेबल, जिसने एक एएसआई अपने सीनियर ऑफिसर को गोली मार दी और 3 आम इंसान को गोली मार दी। वो 3 आम इंसान हो सकता है अल्पसंख्यक, दाढ़ी और टोपी पहने हुए थे, तो उनको गोली मार दी गई। उसके बाद उसने वीडियो भी बनाया कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो ये कहना होगा। तो ये जो वर्दी में ही आतंकवादी घूम रहे, ऐसे आतंकवादियों से गवर्नमेंट को जल्द से जल्द निपटना पड़ेगा। जो इनकी काउंसिलिंग कराना चाहिए, हर महीने इनका चार्ज होना चाहिए कि इनके दिल में दिमाग में जहर कौन घोल रहा है। सोशल मीडिया के तहत और जो ऐसे बेकार इन्फ्लुएंसर चल रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लड़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे हैवान का कोई धर्म नहीं होता है। ये ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, ये हैवान होता है। इसको बस गोलियाँ मार दिया, और अगर से इसके भाई का बयान आया है कि इसकी परिस्थिति नॉर्मल नहीं है या एबनॉर्मल है, इसकी दिमागी हालत सही नहीं है। जब इसकी दिमागी हालत सही नहीं थी तो ये ड्यूटी पे कैसा तहत था वहाँ पे, जब इसकी दिमागी हालत सही नहीं थी तो मारने के बाद इसने चेन कैसी पुल करा ट्रेन की और भागने की कोशिश कैसी करा। जब ये पागल था तो पागल को इतना दिमाग नहीं रहता कि मारने के बाद भाग जाए। ये एक रंजिश चल रही है, ये पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान भाईचारे को तोड़ने का काम हो रहा है। आपस में लड़ाते फिर किसी न किसी प्रकार की राजनीति रोटी सेकने का काम हो रहा है। हम इसके खिलाफ निषेध करते हैं और इस हत्यारे चेतन सिंह को जल्द से जल्द फांसी देना चाहिए, हमारी मांग है। और जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी बयान आया है कि जो एएसआई था सीनियर जिसको गोली लगी, उसको 40 लाख का मुआवजा मिल रहा है, और जो आम नागरिक थे उनको 5-10 लाख का मुआवजा मिल रहा है। तो ये भी दोगला व्यवहार है, सबको एक हिसाब का मुआवजा मिलिए। उनकी भी जान कोई धूल मिट्टी की नहीं थी, देना है तो सबको एक हिसाब का मुआवजा दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। चेतन सिंह को फांसी। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेम्बरे, BCN न्यूज नागपुर।